हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीमेंस कंट्रोल के अंदर G81 G83 साइकिल कैसे यूज़ किए करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले G81 को बोला जाता है स्पोर्ट ड्रिल साइकिल। तो स्पोर्ट ड्रिल साइकिल इसका मतलब होता है एक बार में टू लीन करके और बैक आएगा, चाहे हमको 10 mm जाना हो या 5 mm जाना हो उसके अकॉर्डिंग। 10 mm से ज़्यादा mm होती है तो उसके लिए हम डीपोल ड्रिलिंग साइकिल का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे, क्या है, क्या क्या इसमें। फानुक कंट्रोल से डिफरेंट अलग अलग कंट्रोल होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं, जैसे RTP सेफ्टी डिस्टेंस, RFP DP। यहाँ पे जो RFP होता है इसका मतलब होता है रिट्रेट प्लेन, यानी टूल यहाँ से इन करने के बाद, यहाँ से जब इन करेगा तो इन करने के बाद यहाँ से कटिंग करने के बाद कितना ऊपर जाएगा उसको बोलते हैं रेफरेंस प्लेन, उसको बोलते हैं सॉरी, यानी हमने रिट्रेक्ट प्लेन दिया हुआ 20 mm 20 mm। तो यहाँ से यहाँ तक जो है टूल वो जो अप जाएगा यहाँ से 20 mm ऊपर जाएगा, यहाँ से रेफरेंस प्लेन का मतलब होता है जीरो, यानी जहाँ से आपने इन किया है। सेफ्टी के लिए हम कहाँ तक हमको ला के रोकना टूल को, पहले सेफ्टी के लिए उसको सेफ्टी डिस्टेंस बोला जाता है, वो हमने 5.0 कर दिया। DP का मतलब होता है टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ कितनी हमको 10 mm तक जाना है। ये DP जो है हमको, हम जाएंगे 10 mm। इसके बाद डेप्थ टू रिलेटिव हमेशा इसको जीरो रखते हैं, यानी कहाँ से आपने इन किया। अब जो प्रोग्राम बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमने प्रोग्राम कैसे बनाया इसका। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है इसमें हेडर आएगा, ये हेडर है, ये प्रोग्राम है, ये फुटर है। हेडर में टूल फास्ट आता है, एब्सोल्यूट प्रोग्राम, कटर कंपनसेशन कैंसिल, G53 यानी वर्क कोऑर्डिनेट सीरीज, एक वर्क पीस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। G54 में हमने ऑफसेट लिए हुए हैं, प्लेन सेलेक्शन इन VMC, G71 प्रोग्राम इन MM इन सीमेंस कंट्रोल, मशीन ऑपरेशन के लिए G75 लगाते हैं, इसमें भी G75 ही लगेगा। S2000 स्पिंडल के RPM, G94 फीड MM पर मिनट के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे प्रोग्राम बनाने के लिए, हम G0 के साथ में फीड डाल देंगे, मैंने 100 फीड डाल दी। M को लिखना पड़ता है इसके अंदर, तभी हमारी साइकिल स्टार्ट होती है। इसमें इनबिल्ट फॉर्मेट होता है, तो इसमें ऑटोमेटिक ये जो हमने वैल्यूज इनपुट करी थी ये ऑटोमेटिक आ गई इसमें। इस तरह से हमको प्रोग्राम इनपुट करना पड़ता है साइकिल 81। लास्ट में हमको M को लगाना पड़ता है ताकि साइकिल रन हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम फूटर करके, फूटर जो है वो 75 वगैरह डाल के जो हमको बंद करना है, जो स्टॉप करना है कर देंगे। ऐसे करके हमारी जो साइकिल है वो पूरी हो जाएगी। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे RTP का मतलब होता है रिट्रेट टू प्लेन, यानी इन करने के बाद टूल कितना ऊपर जाता है, यानी यहाँ से रेफरेंस प्लेन से, यानी 20 mm पहले ऊपर उड़ गया। रेफरेंस प्लेन यानी जीरो, ये पूरा प्लेन जीरो है, यानी जीरो से इन करना हमको, सेफ्टी डिस्टेंस ला के रोकना सबसे पहले, हमने 5 mm पहले ला के रोक दिया, कितना जाना है वो और ये है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मेरे पास कई वीडियो हैं, कई कंटेंट पड़े हैं जो कि मैं इस पर आगे अपलोड करूँगा। थैंक यू।